आज से स्टार्ट करते हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमको दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसके बारे में। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकली कंपाउंड होते हैं फूड के अंदर जो क्या करता है, जब हम अपनी बॉडी के अंदर खाते हैं तो वो क्या बॉडी का फंक्शन करने में हेल्प करते हैं और जो भी हेल्थ इशू है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्थ इशू को मेंटेन नहीं करें, हेल्थ इशू को सही करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्थ इशू मतलब हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको मेंटेन करना, मतलब प्रॉब्लम को मेंटेन करना नहीं, प्रॉब्लम को नहीं मेंटेन करना है, ये क्या करते हैं जो भी प्रॉब्लम उसको सही करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर आप सही हो तो आपके हेल्थ को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे बात करें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या होते हैं फूड के अंदर पाए जाते हैं। जब आप इनको इंटेक करते हो तो ये हमारे बॉडी के अंदर यही दो फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी को अच्छे से काम कराते हैं, जो भी प्रॉपर फंक्शन कराते हैं और हमारे हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जिसको ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए कम अमाउंट में जरूरी है, कम अमाउंट में आवश्यकता है, उनको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसका हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में जरूरत है उसको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या देखा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकली कंपाउंड होते हैं फूड के अंदर जो क्या हमारी बॉडी के अंदर जाके जब चाहते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन कराते हैं और हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो अब कल बात कर लेते हैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो हमने क्या देखा, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में जरूरत होती है उनका, और जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होता है। हमारी बॉडी मतलब एनिमल की बॉडी, आप समझ सकते हो। ठीक है, एक बात करें इनके फंक्शन के बारे में, तो देखो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रिवेंट डिजीज करेंगे, मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है तो बीमारी ना हो इस बात को देखते हैं, अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको सही भी करने का काम करते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखो अगर किसी पर्सन या किसी एक एनिमल के अंदर इसका कमी हो गया, किसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी हो गया, तो उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जैसे देखो इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपको भी मालूम है RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में मदद करता है, वो क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करता है। लेकिन देखो जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन के सेल्स की भी कमी हो गई, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर हमेशा थकान बनी रहती है, हमेशा एक सुस्ती बनी रहती है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट होता है गोइटर। गोइटर मतलब यही ना, आप समझते भी हो कि जब आयोडीन, किसी पर्सन के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसका यहाँ गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूजन बोलते हैं। ये नॉर्मली ऐसे जगह पे होता है, ऐसे लोकेशन में होता है जहाँ के नमक में आयोडीन की कमी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कर्वी के बारे में। ठीक है, देखो स्कर्वी किसकी वजह से होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, आपके हाथ पैर में गोले गोले लाल लाल चकत्ते बनने लगते हैं। ठीक है, और अगर आपका स्कर्वी सही टाइम पे इसको सही नहीं करा गया तो ये क्या हमारे मसूड़ों को सुझा देता है, और अगर ये कंटिन्यू ऐसे ही पड़ा रह गया तो क्या करेगा, धीरे धीरे आपके दांत भी गिरने लगेंगे। ठीक है, और बात करें अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के बारे में, कि अगर किसी पर्सन के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको क्या हो सकता है, तो उसको क्वास, सिरकर, मैसोमर्स और मैलन्यूट्रिशन नाम की बीमारी हो सकती है। ये नॉर्मली बच्चों में होती है। ठीक है, ये क्या न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनकी कमी की वजह से ऐसी बीमारियां उनके अंदर होती हैं। मैलन्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण, आप समझते भी हो, किसी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो उसको क्या हो जाता है, किसी बॉडी मतलब नॉर्मली हम बच्चों की बात करते हैं क्योंकि ये सब नॉर्मली बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, पोषण बोलते हैं। ठीक है, चलो यार जो भी कमी नहीं देख लेना। ठीक है, ठीक सही है, पोषण। ठीक है, नॉर्मली ये सभी क्या बच्चों में पाए जाते हैं। देखो अगर किसी पर्सन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ओवर अमाउंट में कंजम्पशन कर लिया तो वो भी उसके लिए सही नहीं है। अगर कोई पर्सन के अंदर कमी है तो वो भी सही नहीं है। अगर उसने क्या कर दिया, जितना जरूरत है बॉडी को उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और
कंटिन्यू कंज्यूम करता रह गया तो वो भी सही नहीं। मान लो जैसे एक दिन आप ज़्यादा खा लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटिन्यू खाते रहोगे ज़्यादा ज़्यादा तो क्या करेगा, आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो ओवर कंजप्शन होता है उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, लीवर और नर्व डैमेज जैसी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके नर्व सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो इनको अगर हम क्या करोगे, अगर आप डेली बेसिस पे ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते रहोगे तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियाँ होती रहती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें इनके कंपोजिशन के बारे में, तो देखो आपको भी मालूम है ये सभी क्या बॉडी के लिए छोटे अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत होती है, तो इनको क्या कहा जाता है, ट्रेसेस एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रेसेस एलिमेंट जैसे हम बात करें इसके बारे में, विटामिन्स, मिनरल्स और आयोडीन, इन सब के बारे में इनको क्या ट्रेसेस एलिमेंट कहने का, मतलब बॉडी के लिए छोटे अमाउंट में जरूरत होती है। और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, मेजर एलिमेंट कहने का, मतलब जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये क्या हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। ठीक है, आप इनको उनको थोड़े से और पॉइंट है उनको भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो देखो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं और जितने भी ट्रेसेस एलिमेंट होते हैं वो भी आते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, जो बॉडी के लिए हमारे पास कम अमाउंट में जरूरत होती है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये भी क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है। बात करें इनके सोर्सेज के बारे में, तो देखो आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका सोर्सेज क्या क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, एग्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये सभी क्या होते हैं, इनके सोर्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो ये सभी क्या, सीरल्स, फीस, मीट, पोटैटो, नट्स, इन सभी में लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है,